हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिल्ड योर वोकैबुलरी, लर्न 20 वर्ड्स इन जस्ट 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी और साथ ही इसमें यूज किए जाने वाले कुछ टफ वर्ड्स के मीनिंग भी मैं एक्सप्लेन करते चलूंगी, जिससे आपको नए नए वर्ड का नॉलेज होगा एंड आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी आगे की वीडियो में। The obstacle in our path. Obstacle means बाधा या बाधाएं। Path means रास्ता। तो इस कहानी का शीर्षक है हमारे रास्ते में आने वाली बाधाएं। In ancient times, a king had boulder placed on a roadway. Ancient means प्राचीन। बोल्डर मीन्स गोल पत्थर। प्राचीन काल में एक राजा के पास एक सड़क पर एक बोल्डर रखा गया था। He then hid himself and watched to see if anyone would move the boulder out of the way. Hide means छिपना। इसका मतलब ये है कि उस राजा ने अपने आप को वहां छिपा लिया और वह यह देखता रहा कि क्या कोई इस बाउल्डर को, मींस गोल पत्थर को, इस रास्ते से हटाता है या नहीं। सम ऑफ द किंग्स वेल्थीएस्ट मर्चेंट्स एंड कर्टियर्स केम बाय एंड सिंपली वॉक्ड अराउंड इट। वेल्थीएस्ट मींस धनवान। मर्चेंट मींस व्यापारी। कर्टियर्स मींस दरबारी। राजा के कुछ सबसे धनवान व्यापारी और दरबारी उस रास्ते से निकले और वे इस पत्थर के चारों ओर से होते हुए आगे निकल गए। Many people loudly blame the king for not keeping the road clear. Loudly means जोर से। Keeping means रखना। कई लोगों ने सड़क को स्पष्ट नहीं रखने के लिए राजा को जोर से दोषी ठहराया। But none of them did anything about getting the stone out of the way. Stone means पत्थर। लेकिन इनमें से कोई भी पत्थर से बाहर निकलने के बारे में कुछ नहीं किया। Friends, अब हम एक बार सारे words जो हमने अभी पहले देखे उसे revise कर लेते हैं, recall कर लेते हैं। Okay? Obstacle means बाधा। Path means रास्ता। Ancient means प्राचीन या फिर पुराना। Boulder means गोल पत्थर। Hide means छिपना। Merchants means व्यापारी। Courtiers mean दरबारी। Loudly means जोर से। Keeping means रखना। Stone means पत्थर। Wealthiest means धनवान। जो भी वर्ड्स हमने पहले देखे वो हमने एक बार रिवाइज कर लिए हैं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी। A peasant then came along carrying a load of vegetables. Upon approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the road. After much pushing and straining, he finally succeeded. Peasant means किसान। Approaching means पास आने पर। Laid means डालना या खुद को लिटा देना। Straining means दबाव। एक किसान तब सब्जियों के भार को लेकर आया। बोल्डर के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ डाला और सड़क से पत्थर को धक्का देने की कोशिश की। बहुत धक्का और तनाव के बाद वह अंततः सफल हुआ। After the peasant went back to pick up his vegetable, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. Lying means पड़े रहना। Contain means धारण करना
से युक्त होना। रिमूव्ड मीन्स हटा दिया या फिर हटा देना। किसान अपनी सब्जियों को लेने के लिए वापस चला गया। उसने देखा कि सड़क पर लेटा हुआ एक पर्स जहां बोल्डर था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा के एक नोट में यह बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से पत्थर को हटा दिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज Every obstacle we come across in life give us an opportunity to improve our circumstances. And while the lazy complain, the others are creating opportunities through their kind hearts, generosity and willingness to get things done. Circumstances means paristhiti. While means jabki. Generosity means udarta. Willingness means इच्छा। So इस कहानी का नैतिक है, जीवन में आने वाली हर बाधा हमें अपने परिस्थितियों में सुधार करने का मौका देती है, जबकि आलसी इसके लिए शिकायत करते हैं। अन्य लोग अपने दिल, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए एक बार फिर से जो वर्ड्स हमने यूज करे हैं उसे रिकॉल कर लेते हैं। पीजेंट मींस किसान। अप्रोचिंग मींस पास आने पर। लेड डालना, लिटा देना। स्ट्रेनिंग मींस दबाव। कंटेन मींस धारण करना, से युक्त होना। रिमूव्ड मींस हटा दिया या हटा देना। सर्कमस्टेंसेस means परिस्थिति। Whilst means जबकि। Generosity means उदारता। Willingness means इच्छा। So friends, जो भी word हमने बाद में इस video में use किए वो मैंने फिर से आपको recall करा दिए ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। So friends, आप भी try करिए इस story के moral को follow करने की। आप भी lazy मत बनिए, शिकायतें करना छोड़ दीजिए और अपनी life में opportunities create करिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो बजाय शिकायत के कोशिश करते रहिए। आपको जिस तरीके से भी, जैसे भी, जितनी भी इंग्लिश सीखने को मिलती है ट्राई करते रहिए, सीखते रहिए। इन्हीं छोटी छोटी वीडियो से अपनी वोक्यूबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.